बॉलीवुड वालों, सोशल मीडिया पे अपने कमेंट्स बंद करने से अच्छा ना अपने गलत हरकतें बंद करो। तो मानो या ना मानो, हम सब लोग ये मूवी देखने का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। एंड द गुड न्यूज इज कि उन्होंने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि ये मूवी हॉटस्टार पे स्ट्रीम होने वाला है। आई मीन, इस मूवी के पीछे बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल है, जिसके बारे में आपको और मुझे, हम जैसों को अंदाजा भी नहीं है। मैं सुशांत सिंह राजपूत के दिल बेचारा की बात कर रहा हूँ, परंतु अगर आपको लगा कि मैं सड़क टू की बात कर रहा हूँ तो चल बजड़ी के। Hey guys, welcome back to Blue Hoodie Guy. तो कल के दिन मैंने सड़क 2 का रोस्ट पोस्ट किया था और मुझे आइडिया नहीं था कि ये वीडियो आखिर कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि क्या है ना, भले ही बॉयकॉट सड़क 2 ये हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था, पर किसी ने भी ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला था। बट मैंने सोचा कि भट्ट परिवार का सड़क 2 है वो, तो एक रोस्ट तो बनता है यार। अब आपकी कृपा से उस वीडियो पे 10,000 व्यूज आ भी गए और वीडियो पोस्ट करने के 1 घंटे बाद मैंने जब व्यूज चेक किए तो मेरा ये रिएक्शन था। Yes, my brain is better than everybody's. और अब आप लोग भी सब्सक्राइब बटन दबाए दो, क्योंकि क्या है ना, आप लोगों की वजह से जिस स्पीड से ब्लू उड़ी गाय के सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि कल के दिन 5,000 जरूर पहुंच जाएंगे। तो सड़क 2 तो हम घंटे से देखने वाले, पर क्या है ना, सड़क 2 अकेली फिल्म नहीं है जो रिलीज होने वाली है। सड़क 2 के साथ साथ 6 और फिल्में रिलीज होने वाली है। एंड टू बी स्पेसिफिक, 24 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के दिल बेचारा हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सड़क 2 के बदले दिल बेचारा देखो, क्योंकि उसके पीछे 2 कारण है। सड़क में बॉलीवुड नेपोटिज्म है और दिल बेचारा में अपना सुशांत। और अब आते हैं दूसरे फिल्म पर। अब क्या है ना, इन फिल्मों की रिलीज डेट्स ऑफिशियली अनाउंस तो हुई नहीं है, पर कहते हैं कि सड़क 2 रिलीज होने के कुछ ही दिन पहले सड़कों पर लक्ष्मी बॉम्ब फटेगा। और अक्षय कुमार की इस मूवी पर खतरनाक रिस्पॉन्स देखने के बाद भट्ट परिवार की गांड फटेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहले से नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला, पहले से नागिन निकाली मुन्ना। एंड इंटरेस्टिंगली, ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। सोनम आंटी रिलैक्स, इन सिंपल वर्ड्स, ये मूवी देख के हंसते हंसते गांड फटेगी। और अब एक अच्छे फिल्म के बाद दूसरे अच्छे फिल्म की बात करते हैं। ना ना ना, मैं करण जौहर के गुंजन सक्सेना की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अजय देवगन के भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। अब इनिशियली तो ये मूवी रिलीज होने वाली थी 14th अगस्त को, विच इज बेसिकली 1 day बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। हाँ, मालूम है मुझे कि तुम लोग को ये सब चीजें पता है, रुको जरा सबर करो। पर क्या है ना, मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आलिया भट्ट और बाकी स्टार किड्स के लिए देता रहता हूँ। नहीं मतलब, ये लोग फिर से कहीं जाके पब्लिकली अपने बुद्धि का प्रदर्शन ना कर दे। What the fuck is so goddamn funny? अब ऑलरेडी एक बार वो करण जौहर के कॉन्ट्रोवर्सी विद कर कॉफी विद करण पे अपनी अक्कल दिखाई थी, उतनी काफी है। नहीं मतलब, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे सड़क 2 से इतनी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भट्ट साहब ने खुद बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत उनके पास आया था सड़क 2 में काम देने के लिए। ना ना ना, रोल नहीं मिला इस बात पे इतनी चिट नहीं है जितनी उस बात पे है कि तभी महेश भट्ट को लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज फीलिंग अ लिटिल डाउन एंड डिप्रेस्ड, तो तभी ये उच्च विचार वाले जीव ने कुछ नहीं किया। पर जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की न्यूज आई, ये पब्लिकली आके बोलते कि हाँ भाई, मुझे सेंस हुआ था कि वो डाउन और डिप्रेस था। भोसड़ी के मदर चौक बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मुर्गी चूत तेरी, टट्टों के सौदागर। तुझे तब कुछ सेंस हुआ था तो कुछ करना चाहिए था ना, अब बोल के क्या फायदा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अभी याद आया, तुम लोग को आउटसाइडर नहीं अटेंशन चाहिए रहता है। जब लग रहा था कि बॉलीवुड वालों को इतनी गालियां पड़ने के बाद अब जाके सुधर ही जाएंगे, उतने में एक न्यूज आई कि हॉटस्टार ने 7 फिल्में अनाउंस की है। जी हाँ, 7 बॉलीवुड फिल्में अनाउंस किया हॉटस्टार ने, और उन्होंने एक लाइव इवेंट रखा था और उन सबको इन्वाइट किया जो जो इस फिल्मों के लीड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। ओह वेट, 7 फिल्में हैं पर सिर्फ 5 ही लीड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को इन्वाइट किया। अब कौन थे वो 5? अक्षय कुमार फॉर लक्ष्मी बॉम्ब, अजय देवगन फॉर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, आलिया भट्ट फॉर सड़क 2, अभिषेक बच्चन फॉर द बिग बुल एंड वरुण धवन फॉर नथिंग। उसकी कोई मूवी रिलीज नहीं हो रही है, उसको ऐसे ही बुलाया। स्टार किड ना बेटा, आजा आजा।
और जिन दो लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था उसमें एक था कुणाल खेमो फॉर हिज मूवी लूट केस एंड सेकेंड इज विद्यु जम्वाल फॉर हिज मूवी खुदा हाफिज। अब अगर आपका जस्टिफिकेशन ये है कि अक्षय कुमार वगैरह की ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है और उसलिए उन्हें इनवाइट किया गया, तो मैं ये कहूंगा कि अक्षय कुमार और अजय देवगन तक ठीक था, ज्यादा से ज्यादा आलिया भट्ट तक समझ सकता हूं मैं, क्योंकि चलो यार नेपोटिज्म कर करके ब्रांड तो बन गया है उसका। पर अभिषेक बच्चन और वरुण धवन, अब लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, मुझे सिर्फ और सिर्फ वरुण धवन के एक्टिंग से प्रॉब्लम है और मैं ये अच्छे से जानता हूं कि वरुण धवन इज अ जेंटलमैन, बहुत हम्बल है, बहुत सिंपल इंसान है एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर बीइंग अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग। पर वरुण धवन ने बॉलीवुड में आखिर ऐसा क्या उखाड़ा है, क्या तीर मारा है कि उसे इस लाइव इवेंट के लिए इन्वाइट किया गया और विद्युत जम्वाल कुणाल खेमू को नहीं। बॉलीवुड वालों, सोशल मीडिया पे अपने कमेंट्स बंद करने से अच्छा ना अपने गलत हरकतें बंद करो, नाइंसाफी बंद करो। कितना बुरा लगता है ये ट्वीट्स पढ़ के, कुणाल खेमू, इज्जत और प्यार मांगा नहीं कमाया जाता है, कोई ना दे तो उसे हम छोटे नहीं होते, बस मैदान खेलने के लिए बराबर दे दो, छलांग हम भी ऊंची लगा सकते हैं। विद्युत जम्वाल, अ बिग अनाउंसमेंट फॉर श्योर, 7 फिल्म्स शेड्यूल्ड फॉर रिलीज बट ओनली 5 आर डीम्ड वर्दी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, 2 फिल्म्स रिसीव नो इनविटेशन और इंटीमेशन, इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड, द साइकिल कंटिन्यूज। कुणाल खेमू की लूट केस फिल्म भी रिलीज होने वाली है हॉटस्टार पर, और हाँ कुणाल खेमू की एक्टिंग अच्छी है, एक्सप्रेशन अच्छे है, कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, पर मुझे सबसे ज्यादा उसका फर्स्ट नेम पसंद है, कुणाल, काफी अच्छा नाम है उसका। बट ऑन अ सीरियस नोट, जो कुछ भी हो, वी हैव टू सपोर्ट दिस फिल्म बिकॉज एज वी कैन सी बॉलीवुड इज नॉट सपोर्टिंग दिस फिल्म। हमें बॉलीवुड से कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर बॉलीवुड को आउटसाइडर से प्रॉब्लम है और उस चीज का प्रॉब्लम हमें है। कुणाल खेमू की तरह विद्युत जम्वाल की खुदा हाफिज भी रिलीज होने वाली है हॉटस्टार पर, अगेन इन सबके डेट्स फाइनलाइज नहीं हुए है बट वी हैव टू सपोर्ट दिस फिल्म क्योंकि अगेन बॉलीवुड इसे साइडलाइन कर रही है। बट क्या है ना, बॉलीवुड चाहे कितना भी साइडलाइन करे, हम तो उससे 10 गुना ज्यादा साइडलाइन करेंगे सड़क टू को। एंड हाँ, गुंजन सक्सेना द कागिल गर्ल, ये मूवी रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पे एंड नो डाउट इसकी स्टोरी लेजेंडरी है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जानवी कपूर से अच्छा तो राधिका आप्टे या तापसी पन्नू कर देती, पर प्रोड्यूसर करण जौहर है और अगर स्टार किड नहीं होगा उस फिल्म में तो उसकी पैंट गीली हो जाती है। एंड दिल से बोल रहा हूं, आई रियली होप करण जौहर इस फिल्म को वो दे जो वो स्टार किड्स को कभी नहीं देता, जस्टिस, क्योंकि ये मूवी जिस स्टोरी पर बेस्ड है, जिस इंडिविजुअल के स्टोरी पर बेस्ड है, वो इंडिविजुअल एक लेजेंड है और अगर करण जौहर ने इस स्टोरी में लव स्टोरी घुसाई ना तो सो थैंक यू सो मच गाइस। आज सुबह जब उठा मैंने देखा 4000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे एंड जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, जो स्पीड पकड़ा है ब्लू हुडी गाय के सब्सक्राइबर्स ने, हम लोग कल का वीडियो पोस्ट करने के पहले ही 5000 सब्सक्राइबर्स पक्का पहुंचेंगे। सो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो और बेल आइकन प्रेस कर दो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव गाइस, बाय। पर सुशांत हू ये पूछने से पहले अपने नाम के आगे का जो सरनेम है ना वो हटा के पूछो, आलिया हू, अनन्या हूँ, सोनम हूँ। सालो तुम बॉलीवुड वालों को दिमाग की कदर नहीं है, ठीक है कम से कम एक्टिंग की तो कदर करो। एक बात अच्छे से जान लो, अगर गलती से भी पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कार्तिक आर्यन, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव खरोज भी, तो कल शाम को बॉलीवुड के मूवी माफिया, बॉलीवुड के नेपोटिज्म गैंग, बॉलीवुड के भट्ट परिवार ने उनके अगले फिल्म का पोस्टर रिलीज किया और उस फिल्म का नाम है सड़क 2। और एक बार ना उस पोस्टर की झलक देख लो, मुकेश भट्ट सड़क 2, अ फिल्म बाय महेश भट्ट फीचरिंग आलिया भट्ट, विच इज अ रीमेक ऑफ सड़क, विच वॉज देन प्रोड्यूस बाय मुकेश भट्ट, रिटन बाय रॉबिन भट्ट, सिनेमाटोग्राफर प्रवीण भट्ट एंड फीचरिंग पूजा भट्ट। किसने बोला आपसे कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है? बट एनी वे आई एम वेरी श्योर कि ये फिल्म देखने वाली पब्लिक भी सिर्फ और सिर्फ भट्ट सी होगी एंड हम लोग ये फिल्म नहीं देखेंगे क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, इस जमाने में जब अंधाधुन, बाला, बदला, केसरी जैसे कंटेंट रिच फिल्म्स की डिमांड है, उसमें हमें घिसी पिटी लव स्टोरी देखनी है तो हम जाके धर्मा की पिक्चर देख लेंगे ना।